सिर्फ ज्ञान से ही खुलते हैं सफलता के द्वार, और ज्ञान ही वो क्रांति है जिससे बदलता है संसार। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 30 सितंबर सिलेक्शन क्रांति सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो बदलिए देश का भविष्य। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्टबुक चैनल पर। और भाई जनता कहाँ गई, गायब ही हो गए सारे के सारे। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा आवाज आ रही है, ऑडिबल हूँ। 8 बजे वाली क्लास अभी नहीं हो पाई थी किसी वजह से, लेकिन हाँ 10 बजे वाली क्लास रखी है, उसके बाद शाम को सारी क्लासेस जो होती है वो रखी है। और 8 बजे वैसे भी जो जरूरी पोर्शन अब रह गया ना, वो है सैटरडे की क्लास। 8 बजे जो जरूरी क्लास होगी वो होगी सैटरडे को, करंट अफेयर का महामैराथन 4 घंटे का, ठीक है? तो वो हमने 8 बजे रखा है ना, तो 8 बजे माहौल तो सैटरडे को ही बनेगा, और आप बनाएंगे फायदा आपको होगा, ठीक? चलिए अभी हम ये 6 चैप्टर वाली सीरीज जो है डेली बेसिस पे 4, 5, 6 जितने चैप्टर हो जाए वो करने वाला करते हैं, क्रैश कोर्स है। इससे पहले मैं आपको जो है 2 क्लासेस दे चुका, दोनों क्लासेस में मैंने आपको 6 या 4 चैप्टर कराए, 10 चैप्टर हो चुके हमारे, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राम पे PDF इसका पक्का मिलेगा, ठीक है सर? PDF के लिए SSC JEE का अलग ग्रुप बना है PDF के, डोंट नो, देखते हैं मिनरल क्या है, मेरे को बताना अपना क्लास के बाद में क्या सिस्टम है, मुझे पता नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेरा एक टेलीग्राम है अमन सर टेक्स्टबुक, जिसपे PDF आती है, ठीक है? ग्रुप पे जुड़ सकते हैं आप, ठीक है? PDF आ जाएगी इसकी भी, पक्का आएगी कन्फर्म। और अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े, ठीक है? मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ 10 बजे, बाकी पुनित सर भी पढ़ा रहे हैं 8 बजे, रीजनिंग भी हो रही है, मैम भी पढ़ा रही है, अनन्या मैम सभी पढ़ा, तो सभी के सभी पढ़ा रहे हैं, आप टीम के साथ पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है? तो और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी ले सकते हैं। देखो फीस कम है, 9 महीने 10 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 900 रुपए में मिल रहा है, अमनदीप कोड यूज करके आज यूटिलाइज कर लो, मौका है, इससे बढ़िया मौका क्या ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैंने ना कल आपका ना क्वेश्चन ना लेख तक का करा दिया था, है ना? और मैंने कहा था उसके आगे जो वेटलैंड हो गया और रामेसर साइट हो गया, ठीक है, ये करा दूंगा नेक्स्ट चैप्टर। तो वही से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वेटलैंड और रामेसर साइट से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर आगे बैक टू बैक 3-4 चैप्टर करा रहा हूं आपको मैं, बढ़िया चैप्टर है आज बहुत, ठीक है? क्वेश्चन पक्के बनेंगे। पहला चैप्टर है वेटलैंड और रामेसर साइट, जो जरूरी क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट जो चैप्टर हुआ था वो लेक्स का चैप्टर हुआ था, ठीक है, कल की क्लास में। चलिए बताइए अष्टमुदरी जो है ये वेटलैंड कहाँ पे? आंसर है इस क्वेश्चन का केरला। तमिलनाडु लगा रहे हो, सारे गलत लगा रहे हो, ठीक है? चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का केरला, इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने कल आपको करा था रेणुका, कुछ ऐसे मैंने वेटलैंड का कोई लोकेशन कराई थी, रेणुका वेटलैंड है ना, तो वो छोटा वेटलैंड है सबसे। चलिए सुरसागर जिसको कैथाम लेक भी कहा जाता है, रिजर्वर है ये, कौन ये रामेसर साइट है, किस वर्ष में ये रामेसर साइट घोषित हुई थी, यानी कैसे? कोई तुक्का लगाना चाहेगा, ठीक है? तुक्के ही लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा तो शायद ही पता होगा किसी को कि भाई सुरसागर एज अ वेटलैंड जो है कौन से वर्ष में रामेसर साइट के रूप में कौन से वर्ष में जो है अनाउंस किया गया था, एनी गैसेस? कोई गैस लगाना चाहेगा? नहीं, चलो कोई नहीं, 2020 में लेटेस्ट का ही होगा तभी पूछा गया, ठीक है? अदरवाइज मैं 1992 का क्यों पूछूंगा, लेटेस्ट का कोई होगा तभी पूछूंगा ना। और ये ऑब्वियसली ऐसे रामेसर साइट को कब किस साल में जो है रामेसर साइट घोषित किया गया ना, ये तभी पूछे जाते हैं जब अगर वो लेटेस्ट हो, अदरवाइज नहीं पूछता कोई, ठीक है? तो वो आप देखो, ठीक है, समझो चीजों को। IUCN की कैटेगरी अगर देखा जाए, ठीक है, तो IUCN में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है वो होते हैं, और उनके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जो चीज खतरे के निशान पे हो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा रंग यूज करते हैं मुझे बताइए, जो चीज खतरे के निशान में उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो आंसर रंग है रेड, ऑब्वियसली
रेड लिस्टिंग या IUCN की जो है रेड डाटा बुक भी कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन में इसमें से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, इंडिया का तो नहीं है, इंडिया में तीन हॉटस्पॉट है, ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल तीन हॉटस्पॉट है और एक इसमें से हॉटस्पॉट नहीं है जो ऑप्शन में दे रखा है, बताइए कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या है, कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है। प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर है ईस्टर्न घाट। देखो पता क्या है, पॉइंट ये है कि जो ईस्टर्न घाट है ना, ये वाला जो साइड, इधर कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। वेस्टर्न घाट है, हिमालयस है, निकोबार है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, लेकिन ये ईस्टर्न घाट में कुछ है ही नहीं खास, तो इसको कहाँ से हॉटस्पॉट होता है, हॉटस्पॉट वो होता है जहां पे कुछ वेजिटेशन हो यूनिक, उसको हम कहेंगे ना हॉटस्पॉट। उधर ईस्टर्न घाट में कुछ है ही नहीं खास इतना, फिर कहेगा सर तमिलनाडु के हमारी बेइज्जती हो रही है या आंध्र प्रदेश की, वहां पे और चीजें बहुत है लेकिन नेचुरल वेजिटेशन इतनी ज्यादा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, हाँ जी, फर्स्ट टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, इसमें कौन सा देश है जिसने सबसे पहले क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सोल्व करो, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, कोई आंसर बता के नहीं दे रहा है, ऐसे जैसे शांति सी छाई हुई है ऐसा माहौल सा दिखाई दे रहा है मुझे, जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है क्लाइमेट इमरजेंसी यूके ने सबसे पहले डिक्लेयर करी थी, इकलौता देश जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, जिसका CHSL में नहीं हुआ, क्योंकि कल ही रिजल्ट आया तो लगे रहो क्योंकि और भी बहुत एग्जाम आने हैं, अभी CET आना है, सब आना है। अब जैसे ये इतने सारे जानवर हैं, ये सभी के सभी जानवर IUCN की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, एसिएटिक बफेलो, ब्राउन बियर, ये सब जो है कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रेयर, एंडेंजर, एक्सटिंक्ट या फिर एंडेमिक, बताइए आंसर क्या है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर है रेयर स्पीसीज, क्या है आंसर, रेयर स्पीसीज इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच स्टेट जहां पे बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी है, कहां पे बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी, कहां पे, एनी गैसेस, कोई गैस बताना चाहेगा, गैस वर्क करना चाहेगा कि कौन सी स्टेट है जहां पे बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी है, मुश्किल क्वेश्चन होगा। चलो बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का है कर्नाटक में, ठीक है ना, नदी किनारे कर्नाटका जो है किनारा है ना एक तरीके से बैंक, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा दांडी वाइल्डर सेंचुरी कौन सी स्टेट में, अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं पता ये सारे की भी है, दांडी वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है, बांगापुरा कहाँ पे है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार देख लो, ठीक है, पेपर में चैप्टर वाइज करके जाओगे तो हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का अगेन कर्नाटका, तो ध्यान रखना एक ये बांगापुरा कर्नाटका में है और एक दांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कर्नाटका में, ठीक है। तो दो चीजें कर्नाटका की हमने करी है अभी कवर, एक और क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करिए, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ये भी कर्नाटका में ही है। चलिए तो अगेन कर्नाटका में, तो दांदली, भद्रा, बंकापुरा, ये तीनों के तीनों कर्नाटका, ठीक है, तो एक साथ कर्नाटका के हो गए, करना करना कर्नाटका के लगातार करा दिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच सेंचुरी इज फेमस फॉर एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स, और बड़े फेमस है क्रोकोडाइल के लिए, इसमें से कौन सी सेंचुरी फेमस है, एनी गैसेस, बताइए, शुगर, वैभव, लिटिल, झांसी, पोखीता, नीक, दीक्षा, इमरान, जल्दी से बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, एनी गैसेस, नहीं कर पा रहे क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो, ठीक है, कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई। आंसर इस क्वेश्चन का भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत फेमस है ये उड़ीसा में, तो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन बहुत होता है, क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा, ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन था अगेन। चलिए बताइए ये नेशनल पार्क है, ठीक है, हाँ जी, होनशुका नेशनल पार्क, ये चाइना के कौन से प्रोविंस में है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल क्लस्टर है यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल क्लस्टर है कि मतलब हर जगह झरने ही झरने, पूरा नेशनल पार्क झरनों से भरा हुआ है, ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा झरने यहीं पे समझ लो एक सा, ठीक है, होनशुकोशो नेशनल पार्क है ये, और ये चाइना के कौन से प्रोविंस में, एनी गैसेस, कोई गैस नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है, एक और क्वेश्चन बेटा, जो बच्चा ये 10 बजे वाली सीरीज कर रहा है ना, वो ये समझ लो पैटर्न फॉलो कर रहा है और चैप्टर वाइज कवर कर रहा है। मैं भी आपको ना 10 मिनट खत्म होते ही, 10 मिनट खत्म होते ही आपका चैप्टर चेंज कर दूंगा, फिर दोबारा दूसरा चैप्टर आ जाएगा, ऐसे चैप्टर वाइज चलेगा पूरा, ठीक है, बैक टू बैक यहाँ पे हो रहा है, चैप्टर एक एक चैप्टर कवर हो जाएगा,
ठीक है, कौन सा टाइगर टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटका में है और सबसे ज्यादा एशियन एलिफेंट है? आप एनी गेसेस, कौन सा टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में है और सबसे ज्यादा एशियन एलिफेंट है? यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन नगर होल टाइगर रिजर्व। देखो पहली बात तो ना इसमें ना हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, रणथंभौर राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश और बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है, तो ऑब्वियसली बसता ही यही है कि जो कर्नाटका में होगा, बाकी तो कहानी नहीं पता भैया, बाकी की तो लोकेशन ही पता है कि भैया कान्हा मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, तो फिर बसता ही क्या, ऊपर वाले ही बसता है, चाहे एशियन पहले एलिफेंट का पता हो ना पता हो, आंसर तो सोल्व होगा। ठीक है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन भी काम की है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एशियन एलिफेंट है यहाँ पे। बट वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये तो आसान है, ठीक है, मणिपुर में। जैसे एक लोकतक भी है ना, लेक है मणिपुर में, फ्लोटिंग टाइप ये भी नेशनल पार्क भी मणिपुर में, तो मतलब रिवराइन आइलैंड कह सकते हैं, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कह सकते हैं, मणिपुर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपको मिल सकता है। ठीक है, लोकतक का भी 8 बजे कहाँ थे सर? मैं तो यहीं था, ठीक है, बट नेट यहाँ नहीं था, इंटरनेट इशू था, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो ठीक करवाने में समय लग गया, इसलिए सोचा 10 बजे लेक्चर लेके आते सीधा, बढ़िया लेक्चर एकदम स्ट्रॉन्ग, और फिर 7 बजे लेके आएंगे ज्योग्राफी का जो चल रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बांधवगढ़ अभी बताया मैंने आपको, आंसर है मध्य प्रदेश, अभी डिस्कस किया है ये रहा बांधवगढ़ का ना, अभी डिस्कस किया है इसके साथ ही। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, बताइए कौन सा नेशनल पार्क है जिसका पॉपुलर कैरेक्टर है मोगली? मोगली के ऊपर सीरीज भी बनी है, नाटक भी बने हुए हैं, मूवीज भी बनी हुई है, और ये मोगली जो कैरेक्टर है ये किस किस नेशनल पार्क का है? पंज नेशनल पार्क का है। ये पंज नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश, सिंपली वन उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क यूके। चलिए तो ये क्वेश्चन है पंज नेशनल पार्क पे आ सकता है, पंज बायोस्फीयर रिजर्व भी बहुत फेमस है, सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है पंज बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, नरोरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे? बड़े वेयर इज दिस नरोरा वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? कमेंट करिए जल्दी से बताइए। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर पूरा हो जाएगा ना। देखो बच्चे पता है क्या कर रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, बच्चे सोच रहे हैं कि फुल क्वेश्चन हो जाए, कहीं से भी हो जाए, कैसे मर्जी क्वेश्चन हो जाए, बस क्वेश्चन हो जाए। वो गलत तरीका है, पेपर से पहले ऐसे तो लंबी सीरीज में तो क्वेश्चन बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन पेपर जब पास होना तब आपको ना एटलीस्ट एक सीरीज ऐसी फॉलो करनी चाहिए जिसमें चैप्टर कवर हो रहे हो दोबारा और वो चैप्टर रिवाइज हो रहे हो, तो मैं वही सीरीज करा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया ये वाली क्लास जरूर देखो। ठीक है, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क, नरोरा नेशनल वैली नेशनल पार्क, ये सब वेस्ट बंगाल में। एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया, कहाँ पे? जेम्स कॉर्बेट में, सबसे वाला नेशनल पार्क है, और जिम कॉर्बेट 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ठीक है, लॉन्च किया गया। एक और क्वेश्चन, ऐसे प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया गया था माइक से संबंधित क्वेश्चन आता है उस पर भी। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड कौन सी है? सबसे छोटा है रेणुका, लेकिन सबसे लार्जेस्ट पूछा जा रहा है, बताइए सबसे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड कौन सा है? बताइए सुंदरवन है क्या? देखो पहली बात तो ना सुंदरवन, अगर मैं कहूँ सुंदरबन डेल्टा तो है ही, तो डेल्टा है तो ऑब्वियसली वेटलैंड घोषित किए जाएंगे, और वेटलैंड सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा ही है, तो ऑब्वियसली वेटलैंड में भी यही आंसर होगा। ठीक है, तो ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, आसान। अच्छा, इसमें से केरला में एक बड़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, ठीक है, और ये तिकडई लोकेशन में है केरला के। अब ये सवाल केरला के ऊपर पूछा गया, तो हम ना कुछ तो ऑप्शन साफ देख सकते हैं कि भैया केरला से संबंधित ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, आंसर क्या इस क्वेश्चन? चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, परियार नेशनल पार्क जो है ये केरला में है। ठीक है, केरला में इस तरफ है, ऐसे जैसा परियार नदी बहती है, केरला है, परियार नदी बहती है, तो वहीं पे जो है परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, परियार नदी पे ही केरला की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में, अभी हमने किया डिस्कस, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ है, तो ये किस वर्ष में हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? देखो क्लासेस की रेगुलरिटी पूरी है, क्रैश कोर्स की तो पक्का होती है। ठीक, क्रैश कोर्स सबसे जरूरी काम बनता है, जब क्रैश कोर्स अगर हम कवर कर लें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा स्लो आंसर दे रहे हो, जैसे मतलब क्रैश कोर्स में माहौल नहीं बना रहे हो। इस क्लास में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, मैं गारंटी देता हूँ इस वाली क्लास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आंसर 1973 इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड जो है कि कौन सी स्टेट का एनिमल है, ये भी पूछा जा सकता है,
लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे? आसार है, त्रिपुरा। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है ना। लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। क्वेश्चन अच्छा था। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। अच्छा नेशनल पार्क कह रहा है, बर्ड सेंचुरी होता तो गोवा होता, नेशनल पार्क कह रहा है तो श्रीनगर है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे? श्रीनगर में। बर्ड सेंचुरी होता तो गोवा होता। तो ये आसान क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थ ईस्ट में? कान्हा मध्य प्रदेश में, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश में, मन्नास आसाम में। ये इस क्वेश्चन का आंसर, केरला में है ये परियार। तो मन्नास इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई मन्नास जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, मन्नास आसाम में। मन्नास कहाँ पे? आसाम में। जितना क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना बढ़िया, एक ही चैप्टर को फॉलो कर रहे हो वो पूरा हो जाएगा, तो दूसरे पे आएंगे। सिरोही नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में? भले सिरोही नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो तो सिरोही नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में दोस्तों? मणिपुर में। मणिपुर में लोकतक भी है, केबुल लमजाओ भी है, सिरोही भी है। ठीक है, तो ये तीन है मणिपुर में। ठीक है, केबुल लमजाओ, लोकतक और सिरोही। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कोरिंगा जो है ना किस कैटेगरी के वेजिटेशन है, जो कि गोदावरी में। अब सिंपल सा है, अगर गोदावरी में है तो डेल्टा बनाते होंगे, ठीक है, और अगर डेल्टा बनाते हैं तो वो मैंग्रोव्स हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ना सॉल्व ऐसे करते हैं, जैसे अगर गोदावरी की तरफ जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहे हैं, तो कोने में डेल्टा बनते हैं, डेल्टा में मैंग्रोव होते हैं, तो उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, एवरग्रीन हो ही नहीं सकता, डिसीडियस हो ही नहीं सकता, मैंग्रोव ही बनेगा। ठीक है, जो भी कोस्टल जोन में है ना, ये जितने भी कोस्टल जोन में बन रहे, चाहे इधर बने, कहीं भी बने, मैंग्रोव होते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, चलिए क्लियर हुआ सभी को, ये क्वेश्चन नहीं करना। अब देखो मैं ना आपके ना कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स दोबारा स्टार्ट करा रहा हूँ। अब ये ना आपका जो चैप्टर चलने वाला है ना, एक बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर को, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये जो चैप्टर है इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है, ये हमारा हो गया वेटलैंड का, रामसर साइट का, लेक्स का, सबका मैंने एक चैप्टर करा दिया। अब हमारा ना जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके हेड, उनकी रिपोर्ट्स, उनके सेक्रेटेरिएट, ये कहाँ कहाँ पे है, ये आपका क्वेश्चन बनता है कि नहीं? आया ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है ये, कंफर्म बनता है क्वेश्चन, चाहे वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो हम 15 मिनट लगा के ना ये चैप्टर खींच देते हैं। ठीक है, 15 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, सार्क के सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? तो आंसर है नेपाल, नेपाल के काठमांडू लोकेशन में सार्क के हेडक्वार्टर। ठीक है, काठमांडू लोकेशन में सार्क के हेडक्वार्टर। एक और क्वेश्चन देखिए, आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इसमें से व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे, 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करनी है हमने। से बताइए आंसर क्या? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आंसर है इस क्वेश्चन का आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, चलो तो यह तो आसानी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? सोल्व करो क्वेश्चन, जितना सही एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ। ये सीरीज सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में लाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए अब वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना सभी के सभी। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं बात करूं कौन सी एजेंसी है जिसने फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट मून में भेजने की बात करी 2024 में, और नेशन का एक क्वेश्चन है कि 2024 में पहली महिला एस्ट्रोनॉट मून पे भेजी जाएगी। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज करने वाली है कि पहली महिला एस्ट्रोनॉट मून पे भेजेंगे 2024 तक? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर है नासा, नासा ही करेगा ये चीज। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है? ये रिपोर्ट वाले क्वेश्चन भी साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कह रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट जो है ना, ये सब ग्रीन ग्रीन क्या बोलते हैं, है ना, एक क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, आई फॉरगेट द नेम, करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनमें से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की अगर मैं बात करूँ तो ये आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा ही दी जाती है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आईएमएफ के द्वारा ही दी जाती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, 7th मेंबर SAACC का, जो साउथ एशिया जो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसमें जो 7वां मेंबर अभी लेटेस्ट में बना है वो म्यांमार बना है। ठीक है,
अच्छा आप में से कौन कौन सैटरडे के लिए तैयार है, सुबह 8 से 12 सब छोड़ छाड़ के अगर कर लोगे ना, मतलब ये समझ लो 4 घंटे ज्यादा नहीं है अगर आउटपुट स्ट्रोंग आए। अगर आप 4 घंटे आउटपुट स्ट्रोंग दे देते हो ना, तो आपको उससे ज्यादा फायदे का क्लास नहीं मिल सकता पूरे यूट्यूब पे, जो अगर आप 4 घंटे मेहनत कर लो। यस लिख दो, जो जो सुबह 8 से 12 करंट अफेयर के लिए तैयार है, मतलब ये समझ लो जितने दिनों से करंट अफेयर छोड़ा हुआ है ना, वो छोड़ने का कोई टेंशन नहीं होगी अगर आप 8 से 12 कवर करोगे सैटरडे को करंट अफेयर। ठीक है, होपफुली सारे जुड़ेंगे। मैं एक एक चैप्टर करंट अफेयर का कवर कराऊंगा। ये क्वेश्चन जो बच्चा नहीं कर पा रहा, वो तो ये समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लेंगे तो हो जाएगा सर। ठीक है, तैयार रहना। यस है तो तैयार भी रहना सैटरडे को, 2-3 दिन पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें से सार्क में टोटल कितने ऑब्जर्वर कंट्रीज है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सार्क में टोटल कितने ऑब्जर्वर कंट्रीज है, बताइए आंसर के इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, सार्क में टोटल कितनी ऑब्जर्वर कंट्री है, तो आंसर है 9। 9 ऑब्जर्वर कंट्री है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारी, ऐसा नहीं सार्क के ऑब्जर्वर कंट्रीज पे ही सब सिर्फ सवाल आएगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऑब्जर्वर कंट्रीज पे सवाल आता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, बताइए आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, जरूरी नहीं हमारे लिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कोला लंपर की लोकेशन है, कोला लंपर की लोकेशन है कहाँ पे, कोला लंपर की लोकेशन है कहाँ पे। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए कुआलालंपुर मलेशिया। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर इज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लोकेटेड, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अरे सर तो इधर ही है। ठीक है, चलिए बताइए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जो लोकेशन है, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लुजैन लोकेशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें क्वेश्चन आता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें किस 3 इंडिकेटर्स पे काम होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के 3 इंडिकेटर है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसी पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आसान है, जनेवा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी जो सेटअप की गई थी कहाँ पे, ये आसान क्वेश्चन है, कि जो सबसे पहली क्रूड रिफाइनरी ऑयल सेटअप किया गया था वो असम में सेटअप किया गया था, असम के डिगबोई लोकेशन, सबसे पुरानी और सबसे पहली। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिए बताइए आंसर क्या। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये जो है सर सईद अहमद खान के द्वारा स्थापित की गई। मैनेसरम टाउन जो मेघालय में है किसके लिए फेमस है, ठीक है, मैनेसरम जो टाउन है, जैसे आपसे चेरापूंजी और मैनेसरम दोनों में से किसी एक का पूछा रहेगा, या तो चेरापूंजी या तो मैनेसरम, दोनों में से कोई एक पूछा रहेगा। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया जो मैनेसरम टाउन है ये वेटेस्ट प्लेस है इंडिया में। ठीक है, जो बच्चे बारिश का लगाते हैं ना, कि अब अगर ऑप्शन में दिया हो भैया बारिश सबसे ज्यादा होती है, वो गलत हो जाएगा, चेरापूंजी वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, वेटेस्ट प्लेस का क्वेश्चन। रॉयल एस्कॉट रेस कोर्स जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, बताइए आंसर क्या। रेस कोर्स हमेशा रॉयल, रॉयल वर्ड जो है यूके से संबंधित होता है, यूके से संबंधित, तो आंसर इस क्वेश्चन का इंग्लैंड है। एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए। विक्टोरिया मेमोरियल
कोलकाता में ये कौन से मटेरियल को यूज करके कंस्ट्रक्ट किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिए बताइए आंसर क्या। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं भाई, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ये व्हाइट मरखाना मार्बल का यूज करके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे भाई, बिल्कुल 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 करेंगे। देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हमारा रेमेसर और वेटलैंड हो जाएगा। ये हम जितना भी फेमस लोकेशन का क्वेश्चन है ना वो भी कर ले रहे हैं, फेमस लोकेशन का ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन भी जो है हम कर ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बेलगाम एयरपोर्ट कहाँ पे, बेलगाम लोकेशन वो है जहां पे महात्मा गांधी जी ने इकलौता आईएनसी सेशन होस्ट किया था, ठीक है ना। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर कर्नाटका, ठीक है कर्नाटका। बेटा अच्छा कंटेंट चला जाएगा आज से, फिर ढूंढेंगे वाला कि कहाँ पे गए चैप्टर वाइज सीरीज, ये चीज है नुकसान अपना देख करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसको ना लोकेशन को याद रखना है थोड़ा मुश्किल, कि ऑस्ट्रिच जो कि पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे, वो ऑस्ट्रिच आज के समय में किस लोकेशन पे, आंसर क्या है, पटानी लोकेशन। लेकिन पता ही नहीं है वैसे आपको, और पटानी लोकेशन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डिसेंट ऑफ गंगा, ठीक है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, पॉपुलर स्कल्पचर है, डिसेंट ऑफ गंगा कहा जाता है, ये कौन सी जगह पे पाया जाता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कौन सी जगह पे पाया जाता है। डिसेंट ऑफ गंगा जो कि एक बहुत पुराना स्कल्पचर है, ये कौन सी जगह पे पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि महाबलीपुरम, ठीक है महाबलीपुरम में। एक और क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन स्टेशन रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में जो बनाया गया उसका नाम क्या है, जो लोकेशन है, जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन पहला जो अंटार्कटिका में बनाया गया था वो कौन सा, तो ध्यान रखना दक्षिण गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण गंगा पे वैसे भी क्वेश्चन आता है, अभी और भी एक्सपीडिशन जो हो रहे हैं दक्षिण गंगा गंगोत्री में ही जा रहे हैं, दक्षिण गंगोत्री में ये एक्सपीडिशन जितने होते हैं। चांदीपुर बीच कहाँ पे, कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट में चांदीपुर बीच है, फेमस लोकेशन है चांदीपुर बीच, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, क्या है आंसर। चलो तो इस क्वेश्चन का देखो, अगर चांदीपुर बीच की बात करी जाए उड़ीसा में है, फेमस लोकेशन है ये, तो बांदीपुर नेशनल पार्क, चांदीपुर बीच, ये सब फेमस है। अब ये इसमें कह रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके जिसकी वजह से रसगुल्ला को उड़ीसा का जीआई टैग मिला, उड़ीसा को जीआई टैग मिला रसगुल्ला का, किस वजह से, क्योंकि ये जो है जगन्नाथपुरी टेम्पल का, ठीक है फेमस जो है कह सकते हैं प्रसाद कह लो एक तरीके से, है ना। इतना मैंने वैसे देखा नहीं है प्रसाद इधर मिलता है, लेकिन चलो ठीक है ना। स्वीट सेक्शन जनरल अवेनेस फॉल्ट रसगुल्ला, तो इतना मैंने प्रसाद ऐसा सुना नहीं है कि इतना ज्यादा होता है, लेकिन हाँ फिर भी उड़ीसा के पास रसगुल्ले का जीआई टैग है, वेस्ट बंगाल के पास। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है और कौन से आइलैंड पे बना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, ये तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलिए लेकिन ये आइलैंड का पूछा जा सकता है कि कौन सा आइलैंड है, तो ध्यान रखना साधु बेट, साधु बेट है इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट पोर्ट जो कि डेवलप किया गया था गुजरात स्टेट में, देश आजाद होने के बाद में जो सबसे पहला पोर्ट डेवलप किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस गुजरात में, तो कांडला होना चाहिए, है ना गुजरात में है तो कांडला होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, आइलैंड ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है, बहरेन को कहा जाता है या किसी और को, बताइए आइलैंड ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बहरेन, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा,
नानकाना साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड है कौन से देश में? बताइए नानकाना साहिब गुरुद्वारा कौन से देश में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। ठीक है, नानकाना साहिब गुरुद्वारा कौन से देश में है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सॉरी, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे नानकाना साहिब गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में, देखो गुरु नानक देव जी से संबंधित है, किससे संबंधित है, गुरु नानक देव जी से संबंधित है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंडिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है 8 बंडल ऑफ एससीओ का हिस्सा है। ठीक है, ये कहाँ पे देखो है, कहाँ पे ये तो सभी को पता है कि इंडिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, बट क्वेश्चन ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि ये 8 वंडर ऑफ एससीओ में घोषित किया गया। ठीक है, द मेन पॉइंट इज कि ये 8 वंडर ऑफ एससीओ में शिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में घोषित किया गया। चल एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए लेक पैलेस महाराणा जगत सिंह जी के द्वारा बनाया गया कहाँ पे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, लेक पैलेस महाराणा जगत सिंह जी के द्वारा कहां पे बनाया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है उदयपुर, ठीक है उदयपुर इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिलिटिक मेटियोर जो है जो क्रेटर को इंपैक्ट करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा। चल तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए कमेंट करिएगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक पार्क एस्टेब्लिश। ठीक है डियर, जो एसएससी जीडी का जो कोर्स है ना वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और 3 अक्टूबर से क्लासेस भी लाइव हो जाएंगी 5:45 PM पर। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी जो 5:45 PM पे क्लासेस हो। ठीक है चल एक और क्वेश्चन देखिए कमेंट करिए, बताइएगा फिशरीज कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिशरीज कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है चल तो आंसर इस क्वेश्चन का ये तुतुकुड़ी पे लोकेटेड है। एक और क्वेश्चन देखिए कमेंट करिए, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर जो है कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विक्रम साराभाई जो इनोवेशन सेंटर है ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। विक्रम साराभाई, देखो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। ठीक है, चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है। ठीक है चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। ठीक है, वैसे विक्रम साराभाई गुजरात से थे इसी वजह से। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर,
सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है 1988 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो के हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। ठीक है, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करो इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे, जल्दी से बताइएगा, सोल्व करो, बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलुरु। ठीक है बेंगलुरु इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज द सेंटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, बताइए कौन सा सॉइल साइंस के लिए सेंटर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। देखो सॉइल साइंस के लिए अगर मैं सेंटर कहूँ तो वो है भोपाल, ठीक है वो कौन सा है, भोपाल है इस क्वेश्चन का आंसर। हेडक्वार्टर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पे, जल्दी से बताइए। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। ठीक है दिल्ली है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI और PASI के भी हेडक्वार्टर दिल्ली में। ठीक है जो फेमस लोकेशन है, जैसे मैंने आपको इससे पहले सारी के सारी जो है इंटरनेशनल कराई थी, अभी मैं नेशनल भी करा दे रहा हूँ, तो ये तीसरा चैप्टर बन रहा है हमारा जो इस क्लास में काम का है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हमारे भारत में जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, बताइए एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है। चलो तो आंसर इस क्वेश्चन का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहाँ पे लोकेट है, हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लोकेशन कहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। चल जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये रिमोट सेंसिंग कहाँ पे होगा, दूर दराज कहीं पे, आंसर क्या है इस क्वेश्चन में जल्दी से बताइए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद। ठीक है हैदराबाद इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा। ठीक है थोड़े ना क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप ना फैक्चुअली पहले पहले तो इनको एक बार ही रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे ये क्वेश्चन गलत होते हैं। फैक्ट है पूरा क्लियर क्लियर फैक्ट है, और अगर फैक्ट नहीं आते तो क्वेश्चन गया। गोवा इस क्वेश्चन का आंसर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेट है, तो आंसर इस क्वेश्चन का देहरादून में। ठीक है कहाँ पे लोकेट है, देहरादून में लोकेटेड है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, वेयर इज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा। सर तो इम्पोर्टेंट है वैसे ये क्वेश्चन कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेट है, तो आंसर इस क्वेश्चन का करनाल में। ठीक कहाँ पे, करनाल। एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एक और क्वेश्चन देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ललित कला एकेडमी एस्टेब्लिश किया गया किस वर्ष में, चलो जैसे अगर मैं कहूं कि भाई ललित कला एकेडमी किस वर्ष में, तो आंसर है 1954 में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एडिटर ऑफ गिल्ड ऑफ इंडिया स्थापना ईयर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई,
तो आंसर के देखो, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1978 में, ये वाला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ललित कला अकेडमी, जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सवाल होते हैं ना वो ज्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखोगे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है, आप इसको ना सोल्व करने के लिए ज्यादा तो तरीका होना चाहिए कि भाई सोल्व करने के लिए कोई एक हिंट मिल जाए, सोल्व हो जाएगा। बताइए क्या हो सकता है हिंट? एक तो दिख गया, ठीक है, जो दिखा है उसी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, उसी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। देखो राइस जो है ना, इसका इंस्टीट्यूट कटक में है और ये इधर साफ थ्री का दिखा हुआ है, सी का थ्री, और बाकी सब में सी का थ्री आएंगे, तो इस वजह से ये आंसर साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। मैथ द फॉलोइंग के क्वेश्चन ना बड़े आसान होते हैं, कारण क्या है कि उसमें एक अगर ऑप्शन आता है ना तो उस ऑप्शन से सारा कुछ कवर किया जा सकता है, अगर एक ऑप्शन आता है। पता है इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? चलिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चलो है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आंसर इस क्वेश्चन का न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन रेलवे जो रेल कोच फैक्ट्री है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पे, कपूरथला में लोकेटेड है, कहाँ पे, कपूरथला में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आईसीएआर एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, और ये रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म पूछा गया, सीधा सीधा फुल फॉर्म, फुल फॉर्म का आंसर क्या है कि भाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पता है कहाँ पे, दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में लोकेटेड है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी मद्रास में है, ये स्टार्ट किसने करी थी बताइए? कुचिपुड़ी को रिकॉग्नाइज जो किया जाता है, इन्हीं की वजह से रिकॉग्नाइज किया जाता है। एनी गेसेस की कुचिपुड़ी जो आर्ट अकेडमी है मद्रास में, वो किसके द्वारा जो है स्थापित की गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिए बताइए आंसर क्या। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डॉक्टर वेमपति चिन्ना सत्यम इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, डॉक्टर वेमपति चिन्ना सत्यम इस क्वेश्चन का आंसर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई बताइए? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। भाई बिल्कुल हाँ, पूसा में है, दिल्ली में बड़ा फेमस है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले ये 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ, सेबी कब स्थापित हुआ, तो आरबीआई कब बना, एसबीआई कब बना, ये क्वेश्चन पक्के हैं, ये ईयर के मैं आज आपको ऑर्गेनाइजेशन के ईयर तक करा दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से चौथा चैप्टर है जो हमारा ईयर्स का चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा ईयर्स मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है, सबके ईयर डाटा में भी लिखवा है कि भाई ये इनके ईयर्स याद है, ठीक है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। मोहनदास करमचंद गांधी भारत से भारत वापिस किस वर्ष में आए थे, ये बड़ा फेमस ईयर माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में इसको, ठीक है, एनआरआई डी भी कहते हैं, ठीक है, सभी जानते होंगे उसके अलावा ये, ठीक है, कमेंट करिए। ऑन व्हिच डेट इन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन किस वर्ष में पास किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, पूर्ण स्वराज 15 दिसंबर 1929, ठीक है,
यहाँ पे ना बच्चे ना इस क्वेश्चन का आंसर अलग ही लगाते हैं, ठीक है, कि भाई पूर्ण स्वराज जो है लाहौर सेशन 29 तारीख नहीं 26 तारीख नहीं, 26 तारीख को तो झंडा फहराया गया था, 26 तारीख और वो भी जनवरी में। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये 26 तारीख जो रटके बैठे हो वो जनवरी का है, पहली बात तो दिसंबर का तो है ही नहीं, और दूसरा 15 दिसंबर इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन, सिराज गोपालाचार्य ने सोल सत्याग्रह मूवमेंट कहां पे स्टार्ट किया? तमिलनाडु। जैसे सिविल सीधा ये भी कह सकते हैं कि सी राज गोपालाचार्य ने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट कहां पे स्टार्ट किया, क्योंकि सोल सत्याग्रह सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट बता। ठीक है, चलिए तो आंसर इस क्वेश्चन का तमिलनाडु। अच्छा, वैसे जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, मैं डिस्कस करूंगा, मैं अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ये समझ लो कि कल का लेक्चर आपका मॉडर्न हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का है, ये ना कंटिन्यूटी ही है जो मैं इस लेक्चर में कर रहा हूँ, कि मैं जब जैसे क्लास अंत होने वाली होती है उससे पहले ही नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाले हैं, जैसे इधर से हमारा इधर हमारे ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गए, इधर से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो मैं इधर से चार पांच क्वेश्चन करा के आपको ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि कल हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का नया कंटेंट स्टार्ट होगा और पूरे दिन पूरी क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के चार पांच चैप्टर खत्म करा देंगे काम के। ठीक है, तो वो स्टार्ट पढ़ने हैं आपको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखें। ये आसान है, चोरी चोरा इंसिडेंस था जिसमें महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कराया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। INC का जो सेशन दिसंबर में हुआ था 1929 लाहौर में, उसको किसने हेड किया था? बताइए आंसर क्या। बस भाई इतना ध्यान रखना, मेरी पूरी मेहनत इस हफ्ते की जो है किस पे जा रही है? सैटरडे के करंट अफेयर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर बच्चा उस सैटरडे के करंट अफेयर का फायदा उठा लेगा, क्योंकि मैं बार बार ना तो करंट अफेयर ला सकता, ठीक है, किसी भी चैनल पे मैं करंट अफेयर नहीं लाता, बट ये है कि जब एग्जाम बिल्कुल पास होता है तो मैं डेफिनेटली एक मैराथन लेके आता हूँ। कभी भी देखना, मैं कभी करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा होता, लेकिन जब भी कोई एग्जाम होता है उसके जस्ट पहले मैं 2-3 दिन पहले 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का मैराथन पक्का लाता हूँ। कितने भी एग्जाम हुए, 3-4 महीने हो गए ये काम करते, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है करंट अफेयर डेली पढ़ने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाता है। रोज पढ़ो, ज्यादातर यही कहा जाता है कि करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है करंट अफेयर डेली पढ़ के कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी सोच है। एक बार पढ़ो, मैराथन पढ़ो, 2-4 घंटे खत्म करो। जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का आंसर, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। अरे सर, तुम किसी दिन सुधर जाओ, ठीक है, मिस्टर इंडिया बना देंगे हम आपको किसी दिन। ठीक है, चलिए आंसर क्या है, लोग करवा देंगे आपको टेस्ट बुक है, किसी चैनल पे किसी भी साइट पे नहीं देखोगे, पढ़ लो ढंग से, गलत बोलते हो कभी कभी। चलिए आंसर क्या, मोतीलाल नेहरू इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी जो है, उसमें एक रेवोल्यूशनरी एक्यूज थे, उनको अरेस्ट किया गया था, वो कौन से? कमेंट करिए जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिए। ये फाइनल क्वेश्चन रखते हैं, इतना रखेंगे, शाम को 7 बजे क्लास करनी है अपनी, ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसको फाइनल आज खत्म कर देंगे। आज क्या थर्सडे, आज नहीं कल खत्म होगा, आज भी ज्योग्राफी चलेगा, कल भी ज्योग्राफी चलना है, 2 दिन ज्योग्राफी चलना है, फिर खत्म होगा ज्योग्राफी। ठीक है, आज नए क्वेश्चन लेकिन बहुत होंगे। चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का आंसर है कन्हैया लाल दत्ता। एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन से एक्ट में पास की गई थी? बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन से एक्ट में पास की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ये फाइनल क्वेश्चन आंसर इस क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो अब ये ध्यान रखो, कल का 10 बजे का लेक्चर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर का होगा, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगी A to Z। ठीक है, ये उसका मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इतने सारे क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के जाने वाले। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के जाने वाले, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पहले तो ये PDF के लिए अमन सर टेक्स्ट बुक, इसमें ये PDF पक्का आ जाएगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हाँ ये पक्का आ जाएगी PDF। ठीक है, क्योंकि इसमें 3-4 चैप्टर है, वेटलैंड रेमिसर साइट है, नेशनल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ईयर्स है, उनकी रिपोर्ट्स है, ये सब कुछ इसी में ही है। ठीक है, तो ये कर ले रहे हैं, PDF जरूरी है। अमन सर टेक्स्टबुक का ग्रुप ज्वाइन करना, उस पर अपडेट आ जाएगा। करंट अफेयर का जो मैराथन बोल रहा हूँ सैटरडे को सुबह 8 से 12, वो भी इसी में लाइव देखना करंट अफेयर का मैराथन। ठीक है, अगर SSC CGL की टीम के साथ पढ़ना चाहते हो तो सभी से पढ़िए, मैथ वाले सर, फ्रेंच सर, रीजनिंग मैम,
मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश वाले मैम पढ़ा रही है, कंप्यूटर वाले सर पढ़ा रहे हैं, टाइमिंग भी देख लीजिए 7-8 बजे मतलब लगातार चल रही है क्लासेस, ठीक है। तो आप पढ़े अच्छे से और फाउंडेशन में देखो ये जो ऑफर है ना, मुझे तो लगता है कि जैसे अगर आप एक बच्चा अच्छी तरीके से जैसे कट ऑफ देख रहे हो आप, मुझे लगता है कि आप बिना कैटेगराइज तैयारी के, कैटेगराइज तैयारी मतलब पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पर्टिकुलर तैयारी के बिना उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कोई कहेगा सर फिर तो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, हम तो सब एग्जाम पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इन सब एग्जाम की तैयारी सुपर पैक में हो रही है, ये सुपर पैक की फीस इतनी कम रखी है और सबसे ज्यादा तैयारी सुपर पैक में हो रही है। मैं खुद सुपर पैक में सबसे ज्यादा पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरे से ही पढ़ना चाहते हो प्लस के कोर्सेज में थ्योरी तो आप सुपर पैक में पढ़िए, ठीक है, सबसे बढ़िया है सुपर पैक, ठीक है। जैसे आप इसमें जाओगे ना, आप मतलब टेक्स्ट बुक ऐप पे जाओगे तो आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाते हैं, ये लेटेस्ट SSC GD का कोर्स भी आया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब आज अगर आप यूटिलाइज करेंगे कोई भी इनमें से कोई भी, 90% डिस्काउंट मिलेगा, फीस संबंधित कोड से कम हो जाएगी और इतनी कम फीस में सारे ऑफर्स अवेलेबल हो, ठीक है। ये मौका है आप सभी के पास, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आप सभी से, बाय बाय, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अमन सर टेस्ट बुक, और ये कोड यूज कर देना अमनदीप, ठीक है। धन्यवाद, शाम को 7 बजे क्लास होगी ज्योग्राफी का पार्ट 4, ठीक है, और PDF टेलीग्राम पे आ जाएगी। ओके बाय।